हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में करने वाला अनबॉक्सिंग मेरे न्यू सैमसंग गैलेक्सी F41 की। तो इसको मैंने परचेज किया फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट पे जो इसका प्राइस है वो 15,499, और मैंने इसको परचेज किया 11,999 में, यानी कि आप 12,000 कह सकते हैं। और 12,000 में कैसे इसे परचेज किया वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी शुरू। इसके बॉक्स पे क्या लिखा है वो पढ़ने से अच्छा है वो तो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, और हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, देखते हैं हमें क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो है हमें इसके अंदर फोन देखने को मिलता है, और ऊपर की साइड यहाँ पर हमें सेम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, और उसी के अंदर हमें देखने को मिलती है मैनुअल्स और डॉक्यूमेंट्स जिसके रिलेटेड। तो हम इसको रख देते हैं साइड। सो गाइस, जो मैंने ये कलर मंगाया है फ्यूजन ब्लू, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक कलर का फ्यूजन है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है एक अडेप्टर और USB टाइप सी केबल। अगर अब हम फ़ोन की स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.4 इंचेस की स्क्रीन साइज़ मिलता है, और सुपर एमोलेड स्क्रीन है। प्लस अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी स्लिक डिज़ाइन है। और अब हम इसको कर देते हैं पॉलिथीन रिमूव। तो पीछे का आप बैक देख रहे हैं, एक्चुअल में प्लास्टिक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है इसमें प्लास्टिक में भी। आपको देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये प्लास्टिक है। तो चलिए अब हम इसे बूट कर लेते हैं और देखते हैं ये अंदर से इसका जो मेन्यू वगैरह है वो कैसा है देखने में। सो गाइज, अब बात करते हैं कि मुझे 12,000 में कैसे पड़ा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मुझे 11,524 रुपीज़ में पड़ा है, बट एक्चुअल में मुझे 12,000 में पड़ा है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 20,000 जो आप सेलिंग प्राइस देख रहे हैं उसमें से माइनस हो के 4,500, तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 15,500, जिसमें से 475 और माइनस होता है, फिर 1,000 माइनस होता है। आप साइड में देख सकते हैं कि किस रीज़न के माइनस हो रहे हैं, और उसमें से 1,450 वापस माइनस होता है, और 40 रुपीज़ यहाँ पर ऐड होके फिर माइनस हो जाते हैं, एंड 1,050 मोर। तो इसमें से मुझे ये इतना सब माइनस हुआ है, और 475 जो रुपीज़ माइनस हुए हैं
वो इंटरेस्ट है जो मैं बैंक को पे करूँगा कि मैंने ये ईएमआई पे लिया, नो कॉस्ट ईएमआई है, इसलिए यहाँ पे मेरे इंटरेस्ट माइनस हो गया। तो कुछ इस तरह से मेरे को पड़ा 12,000 रुपीज़ में। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट करके बताना अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं। इसका रिव्यू तो मैं आपको जल्दी थोड़ा यूज करने के बाद दे ही दूंगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।